अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, विद यू आई एम काजी मोहम्मद सईदुल्ला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ अ कवर लेटर। आवर सब्जेक्ट इज़ स्टडी स्किल्स एंड इन स्टडी स्किल आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ कवर लेटर। अ कवर लेटर आल्सो नोन एज अ कवरिंग लेटर और एप्लीकेशन लेटर इज़ अ वन पेज डॉक्यूमेंट दैट इंट्रोड्यूसेस अ जॉब सीकर्स वर्क हिस्ट्री, प्रोफेशनल स्किल्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन अप्लाइंग फॉर अ जॉब। कवर लेटर को हम कवरिंग लेटर भी बोलते हैं, एप्लीकेशन लेटर भी बोलते हैं। ये एक पेज पर मुश्तमिल ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि जॉब तलाश करने वाले की प्रोफेशनल स्किल्स को बयान कर रहा होता है, उसके काम की हिस्ट्री को बयान कर रहा होता है और उसकी ज़ाती जो दिलचस्पी है उसके बारे में बता रहा होता है। The point of your cover letter is to expand upon the achievements in your resume. ये वर्ड है resume, resume नहीं पढ़ेंगे, resume. Showcase your personality and explain why you would be a good fit for the company. ये जो cover letter है ये explain कर रहा होता है आपकी personality को और वजाहत करता है कि आप इस company के लिए किस लिए ज़रूरी हैं। Overall your cover letter paired with your resume, आपकी रेज्यूमे के साथ जो लगाया जाता है कवर लेटर, हेल्प्स मैनेजर्स एंड रिक्रूटर्स स्क्रीन योर जॉब एप्लीकेशन। मैनेजर्स वालों के लिए और रिक्रूटर्स के लिए जो आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, वो चेक करने के लिए मदद देता है कि आप इसके किस हद तक आहिल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट योर कवर लेटर, कि हम अपना कवर लेटर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। योर रेज्यूमे इज़ योर मार्केटिंग ब्रोशर, योर कवर लेटर इज़ योर इंट्रोडक्शन और एग्जेक्टिव समरी टू योर रेज्यूमे। आपकी रेज्यूमे से पहले एक एग्जेक्टिव समरी होती है, मुख्तसर खुलासा होता है जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन मौजूद होता है। द मेन पॉइंट ऑफ अ कवर लेटर इज़ टू टाई योर एक्सपीरियंस डायरेक्टली टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके एक्सपीरियंस को डायरेक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़ देना होता है। अब जब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये वो होती है जब कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जॉब्स देती हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जॉब्स लिखती हैं कि फलां जॉब हमारे पास वैकेंट है और आपने अप्लाई करना होता है। तो फिर ये कवर लेटर के अंदर डायरेक्टली हम अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। लुक एट द डिस्क्रिप्शन एंड बी श्योर द वर्ड्स रिलेट डायरेक्टली टू दोज इन योर कवर लेटर एंड द रेज्यूमे। आपने डिस्क्रिप्शंस को देखना है और इस बात का यकीनी करना है कि आपके कवर लेटर में जो कवर लेटर में जो बात की गई है वो रेज्यूमे में वो तमाम एक ही हैं या नहीं है। मीन्स आप एक ही डिस्क्रिप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ द एम्प्लॉयर इज़ लुकिंग फॉर टीम वर्क, अगर उसको एक टीम वर्क की ज़रूरत है, हाईलाइट अ टीम एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमे, तो फिर अपनी रेज्यूमे के अंदर आप क्या करेंगे, टीम वर्क के एक्सपीरियंस को शो करेंगे। एंड बी श्योर टू इंक्लूड अ टीम रिलेटेड अकम्पलिशमेंट इन योर लेटर, और अपने उस कवर लेटर के अंदर इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने टीम से मुतालिक जितने भी काम किए हैं वो एक्सपीरियंस इसमें शामिल होना चाहिए। योर कवर लेटर शुड बी द फॉलोइंग स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करना है कि ऐसे हमने कवर लेटर को लिखना है। अब पहला हमारे पास जो है वो है कंसाइज, कि कवर लेटर जो होता है हमारे पास वो कंसाइज होना चाहिए। योर कवर लेटर शुड बी 3 to 4 पैराग्राफ्स, यानी कि एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो और उसके अंदर 3 से 4 पैराग्राफ हों। एनी लॉन्गर माइट लूज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले को ये डिस्टर्ब कर देगा अगर आप इससे ज़्यादा लिखेंगे। ओपनिंग पैराग्राफ जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, 4 or 5 सेंटेंसेज मैक्सिमम, सिर्फ 4 या 5 सेंटेंसेज होने चाहिए। मैंशन द पोजिशन यू आर अप्लाइंग टू इंटरेस्टेड इन, आपने अपनी पोजिशन बतानी है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं या जहाँ आप दिलचस्पी रखते हैं। ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड इंडिकेट वेयर यू लर्न ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आपने ये भी बताना होता है कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने कहाँ पढ़ा, अखबार में पढ़ा, टीवी पर देखा, किसी दोस्त से सुना, तो आपने ये मेंशन करना है। वहाँ पर फिर आपने अखबार की डेट मेंशन करनी है और उसके साथ ईयर मेंशन करना है कि आपने कब इसको पढ़ा। बॉडी ऑफ द लेटर यूजुअली 1 or 2 पैराग्राफ्स, ये 1 या 2 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होती है। शेयर डिटेल एग्जांपल ऑफ योर क्वालिफिकेशन फॉर द पोजीशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स हों तो फिर अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपने मुकम्मल वजाहत देनी होती है।
मैनी स्टूडेंट्स चूज टू यूज वन पैराग्राफ टू डिस्कस प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एंड अनदर टू डिस्कस एकेडमिक और लीडरशिप एक्सपीरियंसेस। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक पैराग्राफ को चूज करते हैं, उसके अंदर एक्सपीरियंस लिखते हैं और दूसरे पैराग्राफ के अंदर एकेडमिक लीडरशिप एक्सपीरियंस को टच करते हैं। चूज विच एवर कम्बिनेशन कम्युनिकेट्स योर मोस्ट रेलिवेंट क्वालिफिकेशन। जिस तरीके से भी आप लिखें, लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है आपने उसका जिक्र वहाँ पर ज़रूर करना होता है। एंड पे आता है क्लोजिंग, 3 to 4 सेंटेंसेस मैक्सिमम। समराइज योर क्वालिफिकेशन, रिस्टेट योर एंथुसियाज्म फॉर द पोजीशन कि मैं पोजीशन के लिए किस हद तक शौक रखता हूँ। एंड इंक्लूड योर प्रेफर्ड कंटेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉयर टू फॉलो अप विद यू। और आपने एक प्रेफर्ड कंटेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, मीन्स अपना फ़ोन नंबर लिखना है जो मुकम्मल तौर पर ऑन हो एवरी टाइम, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो आपसे रब्ता कर सके। एंड पे है क्लियर, आर्टिकुलेट योर क्वालिफिकेशन इन वर्ड्स डैट मिरर व्हाट द एम्प्लॉयर प्रोवाइड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। आपने इस बात का खसूसी ख्याल रखना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ एम्प्लॉयर ने मांगी है आपकी क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक पूरी हो, मीन्स आपने ये पहले क्लियर कर लेना है। डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एकम्प्लिशमेंट। एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने के लिए आप एकम्प्लिशमेंट्स की अपनी जो जो आपने हासिलात हैं आपकी, आप उन तमाम की एक बड़ी लिस्ट बना देते हैं। ऐसा ना करें सिर्फ 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर। अब अगर हम इस मुकम्मल को देखें तो कंसाइज पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है कि आपने कंसाइज ही लिखना है, मुख्तसर आपने इंफॉर्मेशन देनी है। पैराग्राफ भी 2 से 3 सेंटेंसेस का होना, 4 से 5 सेंटेंसेस का हो। बॉडी लेटर भी आपके पास 1 या 2 पैराग्राफ का, क्लोजिंग लाइन्स जो हैं वो आपकी 3 to 4 सेंटेंसेस होनी चाहिए और क्लियर डिस्क्रिप्शन मेंशन होनी चाहिए कि आप उसके मुताबिक अहल हैं या नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कवर लेटर चेकलिस्ट। अब आपने कवर लेटर बना लिया है, आपने चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट में ये है कि आपने चेक करना है कि क्या कवर लेटर के अंदर कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई। इसके लिए हम देखते हैं, पहला पॉइंट है द वर्ड्स एंड एक्शन वर्ब्स इन योर कवर लेटर शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो अल्फाज का वहाँ पर इस्तेमाल है, एक्शन वर्ब्स हैं इन योर कवर लेटर शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, वो जॉब डिस्क्रिप्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे हों, मीन्स उनके मुताबिक ही हों जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक। दूसरा है हमारे पास ऑलवेज बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल आपने रहना है हमेशा, एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपने बिल्कुल ही डालनी है उसके अंदर। नंबर 3 पर है यूज़ प्रॉपर ग्रामर। प्रॉपर ग्रामर का मुताबिक मतलब ये है कि आपने जो ग्रामेटिकल सेंटेंस का इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल ठीक ठीक करना है। अगर आपकी ग्रामर कमज़ोर है तो किसी एक्सपर्ट से राय ले लेनी है और वहाँ से चेक करा लेना है कि कोई ग्रामर की मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको लिखना भी नहीं आता और आपकी ग्रामर की गलतियाँ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फॉर द स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस एरर। पंक्चुएशन एरर, हम कॉमा की गलती करते हैं, सेमी कॉलन की गलती करते हैं, तो इसको भी अच्छी तरह चेक करना चाहिए कि यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं रह गई। नो टू होम द रेज्यूम। नेक्स्ट हमारे पास है नो टू होम द रेज्यूम कवर लेटर पैकेज इज गोइंग टू। आपको पता होना चाहिए कि किसकी तरफ आप वो कवर लेटर या वो पैकेज भेज रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल द ऑर्गेनाइजेशन टू सी इफ दे कैन प्रोवाइड यू द करेक्ट नेम एंड द टाइटल ऑफ द पर्सन टू होम यू शुड बी एड्रेसिंग द लेटर। कभी कभार ऐसा होता है कि जब डिस्क्रिप्शन दी जाती है, हमारे पास ऐड आती है, तो उसके अंदर उस शख्स का नाम मेंशन नहीं होता कि आपने किसको मुखातिब होकर ये चीज़ लिखनी है, तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन को कॉल कर लें। वहाँ पर कॉल करने के बाद उनसे पूछ लें कि ये हमने एप्लीकेशन किसके लिए फॉरवर्ड करनी है, तो उसका नाम वहाँ पर एड्रेसिंग लेटर के अंदर उसका नाम फिर मेंशन कर लें। इसके बाद हमारे पास है टू डू नॉट यूज़ टू होम इट मे कंसर्न। ये वर्ड है, अपना फ्रेज़ है हमारे पास। अब इसके अंदर, इस क्लास के अंदर टू होम इट मे कंसर्न, इसके अंदर अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि हर जगह पर यही चीज़ इस्तेमाल कर देते हैं। ये वाला वर्ड आपने कवर लेटर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। एड्रेस द लेटर टू अ स्पेसिफिक रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर वेन एवर पॉसिबल और राइट डियर सर मैडम। आपने टू होम इट में कंसर्न की बजाय क्या लिखना है, डियर सर लिखना है या मैडम लिखना है मुखातिब करने के लिए। अगर नाम आता है तो आप उनके नाम को भी एड्रेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है यूज पैराग्राफ फॉर्म नॉट बुलेट पॉइंट्स। आपने पैराग्राफ बनाने हैं, बुलेट्स नहीं बनानी। मीन्स फर्स्ट पैराग्राफ आपने ओपनिंग पैराग्राफ लिखा, फिर आपने डिटेल पैराग्राफ लिखा, लेकिन वहाँ पर आपने बुलेट्स नहीं बनानी। बुलेट्स का मतलब जिस तरह ये मैंने पॉइंट्स बनाए, अब जी ये मैं एक बुलेट ये बना रहा हूँ, ये बुलेट भी है, एरो बना सकता हूँ, ये पॉइंट्स बना सकता हूँ, ये पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बनाने। आपने इन पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट डायरेक्टली फ्रॉम योर रेज्यूमे टू योर कवर लेटर। आपने अपनी रेज्यूमे से कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन कट करके या कॉपी करके अपने कवर लेटर पर पेस्ट नहीं करनी। हमारी आदत ये होती है कि हम एक बना बनाया फॉर्मेट ले लेते हैं और उस फॉर्मेट के मुताबिक जो रेज्यूमे के अंदर जो चीज़ें हम लिखते हैं अपनी, उस रेज्यूमे में से वो चीज़ें कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, हम कवर लेटर में पेस्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही बैड इंप्रेशन चला जाता है। रिपीटिंग, इसको हम एरर कह देते हैं कि एक लाइन बार बार उसी सेंटेंस को हम बार 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 रिपीट कर रहे होते हैं, जो कि बैड इंप्रेशन जाता है, जिससे ये क्लियर हो रहा होता है कि इस बच्चे की या इस कैंडिडेट की कोई खास कमांड नहीं है, ये कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो आपने कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट, डू नॉट बी फॉरवर्ड इन रिक्वेस्टिंग एन इंटरव्यू। कुछ बच्चे इस हद तक एक्स्ट्रा पैशन रखते हैं कि वो डायरेक्ट ही अपने रेज्यूमे में अपने इस कवर लेटर के अंदर इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर देना कि सर काइंडली कॉल मी फॉर द इंटरव्यू, आई एम एज गुड, अपने बारे में इतना इंफॉर्मेशन देकर और वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कर लें, जो कि बहुत ही बैड इंप्रेशन है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जस्ट अपने पैराग्राफ्स के अंदर सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन को शो करना है, क्वालिफिकेशन को शो करके और अपने एंथुसियाज्म को शो करना है, अल मुख्तसर मुख्तसर जितना हो सके उसको कंसाइज करने की कोशिश करनी है इन पैराग्राफ फॉर्म। लेकिन एम्प्लॉयर को आपने रिक्वेस्ट नहीं करनी कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लें। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस हद तक बेहतर समझता है और उसके बाद फिर वो डिसीजन लेता है कि मैंने कॉल करनी है या नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कीप टू वन पेज, नो मोर देन 3 to 4 पैराग्राफ। ये भी स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखाने के लिए वो कवर लेटर जो बना रहे होते हैं वो 1 to 2 pages का या 3 pages का बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। आपने ऐसा नहीं करना। एक ही पेज के अंदर तमाम मालूमात को पुट करनी है और इस अंदाज़ में करनी है कि वो मुकम्मल आपकी इंफॉर्मेशन भी आ जाए और मुख्तसर और ज़्यादा डिटेल भी ना हो। सिर्फ एक पेज का इस्तेमाल करना है कवर लेटर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वन, व्हेन ईमेलिंग अ रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर डायरेक्टली, यूज द बॉडी ऑफ द ईमेल टू राइट 2 to 3 sentences दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड मैंशन टू विच पोजिशन यू आर अप्लाइंग। जब आप ईमेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के अंदर आपने लिखना होता है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, और 1 to 2 lines आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती हैं कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा 1 to 2 lines के अंदर अपना इंट्रोडक्शन भी दे देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट अहम पॉइंट आ रहा है हमारे पास, इंक्लूड योर कवर लेटर एंड रेज्यूमे एज PDF अटैचमेंट्स। आपने वर्ड में तो आप टाइप करेंगे, अपना कवर लेटर बनाएंगे, लेकिन उसको PDF फॉर्म में सेंड करना है। आप ऐसे सेंड नहीं करेंगे। डो नॉट कट एंड पेस्ट योर कवर लेटर इन टू द बॉडी ऑफ द ईमेल। ईमेल की बॉडी के अंदर आप अपने कवर लेटर को कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये तो चंद एक बातें थी जो अहम अहम थी कवर लेटर के हवाले से मैंने आपको बताई। आप इनको देख सकते हैं और अच्छी तरह से अपने कवर लेटर को तैयार कर सकते हैं। हमारा ये टॉपिक आज क्लोज होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।